हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि बाबा केदारनाथ की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारी ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा और हमारे और आप सबके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टूरिज्म ट्रेवल्स के जो भी सब्सक्राइबर है उनको केदारनाथ की ट्रिप बिल्कुल फ्री कराएंगे। हम हर महीने आप लोगों को ट्रिप कैसे कराएंगे और कितने भक्तों को हम हर महीने केदारनाथ के दर्शन कराएंगे उसके बारे में हम आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को फ्री ट्रिप कैसे कराई जाएगी उसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी खुद की ट्रेवल्स एजेंसी जिसका नाम उत्तराखंड टूरिज्म ट्रेवल्स है और इसी नाम से हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी है। इस साल हमारी ट्रेवल्स एजेंसी अलग अलग तरीके से केदारनाथ के दर्शन भक्तों को बिल्कुल फ्री कराएगी। नेक्स्ट मंथ कपाट खुलने के बाद से ही हम भक्तों को केदारनाथ के दर्शन कराने वाले है। इसमें हमारी तरफ से कोई डेट कोई टाइमिंग नहीं रहेगी। आप जिस दिन हरिद्वार आओगे उसी दिन या नेक्स्ट डे से केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा सकोगे। दोस्तों, मई के महीने में हम 30 भक्तों को केदारनाथ की ट्रिप कराएंगे। 30 भक्तों में से 13 भक्त हमने पहले से ही सिलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि जो 13 भक्त है वो हमसे पिछले साल से कॉन्टैक्ट में थे और बाबा केदारनाथ के बड़े भक्त है। हमने पिछले साल भी 36 भक्तों को केदारनाथ धाम की यात्रा फ्री कराई थी और इस साल भी बाबा केदारनाथ की कृपा से हमारी तरफ से यात्रा फ्री कराई जाएगी। अब 30 में से 13 भक्तों को निकालकर हमें 17 भक्तों को मई मंथ के लिए सिलेक्ट करना है। टोटल 30 भक्तों को मई के मंथ में केदारनाथ की ट्रिप कराई जाएगी। इसी तरह जून के महीने भी केदारनाथ की ट्रिप कराई जाएगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को प्लान के बारे में बता देता हूँ किस तरह से हम यात्रा करेंगे और आपको क्या क्या सुविधा इसमें हम आपको देने वाले हैं। हमारी जो यात्रा है हरिद्वार से हरिद्वार की रहेगी, 3 नाइट 4 डे की रहेगी। इसमें हम आपको 2 स्टे सीतापुर में देंगे और 1 स्टे केदारनाथ में देंगे टेंपल के पास में। दोस्तों, इसमें आप लोगों को खाना अपना खुद से करना होगा। इसमें हम आप लोगों को गाड़ी और स्टे प्रोवाइड कराएंगे। मतलब यह है कि हमारी तरफ से आप लोगों को गाड़ी और ठहरने के लिए रूम दिया जाएगा। दोस्तों, केदारनाथ की जो यात्रा है इसमें हमारी तरफ से कोई भी डेट फिक्स नहीं है। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि आप लोग मई के मंथ में जिस भी डेट में यात्रा पर जाना चाहोगे उसी डेट में हमारी तरफ से आप लोगों को केदारनाथ के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ियां डेली जाती है। अगर आप लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करना जाना चाह रहे हो तो आप लोग हमारी इस ट्रिप का फायदा उठाएं। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिन लोगों को हमारी टीम द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यात्रा है वो ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है, ये यात्रा 1 या 2 भक्तों के लिए ही है। कम से कम 1 या 2 भक्त होने चाहिए, ये ग्रुप के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस ट्रिप से जुड़ने के लिए वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डन लिख के अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। कल आप लोगों को केदारनाथ और 4 धाम यात्रा के लिए नई अपडेट आप लोगों को कल हमारी वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर सभी तरह की अपडेट जानकारियाँ मिलती है और मिलती रहेगी।